नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 20 जून। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या में हुआ इजाफा। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 250 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 7290 हो गई है। पाए गए मामलों के प्रभावित जिलों की बात करें तो औरंगाबाद में 1, बांका में 7, बेगूसराय में 12, भागलपुर में 3, बक्सर में 36, दरभंगा में 14, गोपालगंज में 35, जहानाबाद में 7, कैमूर में 6, कटिहार में 3, किशनगंज में 1, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 15, नालंदा में 6, नवादा में 8, पटना में 15, पूर्वी चंपारण में 3, पूर्णिया में 6, सहरसा में 16, समस्तीपुर में 10, सारण में 18, शेखपुरा में 2, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 19, वैशाली में 3 मामले सामने आए हैं। बिहार में कोविड 19 से ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 5098 पर। जहां एक तरफ बिहार में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे, वहीं दूसरी तरफ इसे ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार अब तक कुल मिलाकर 5098 मरीज इससे ठीक हो चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 1,45,562 सैंपल की जाँच की जा चुकी है, जिसके बाद 7,000 से ज्यादा मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन जारी किए गए जानकारी के अनुसार अब तक बिहार में कोविड 19 से 49 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार के सभी जवानों को दी गई अंतिम विदाई। भारत चीन के बीच हुए वाकया के बाद जान गंवाने वाले सभी जवानों की आखिरी विदाई दी गई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, लद्दाख के गलवान घाटी पर भारत चीन के बीच तनाव बढ़ने के बाद, जिसमें बिहार के 4 जवान की जान चली गई थी, जिसके बाद वैशाली के जंदाहा के रहने वाले जय किशोर सिंह का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गाँव पहुंचा, मोहल्ला पूरी तरीके से गमगीन हो गया। वहीं उनके माता पिता समेत सभी परिजनों का भी हाल बुरा दिखा। ऐसा ही हाल सहरसा जिले में कुंदन यादव के शरीर के पहुंचने के बाद देखने को मिला। अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग जमा होते भी दिखाई दिए। वहीं चंदन कुमार के पहुंचने के बाद भोजपुर जिले में भी लोगों की भारी संख्या देखने को मिली। वहीं समस्तीपुर के अमन की अंतिम यात्रा के दौरान सभी लोग चीन से बदला लेने के लिए लगातार मांग करते नजर आए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियों का सिलसिला है जारी। कोविड 19 के इस माहौल के बीच बिहार में चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक चुनाव का आयोजन कब करवाया जाना है इसको लेकर किसी बात पर सहमति नहीं बनाई गई है, मगर तैयारियां जोर शोर से जारी है। वहीं चुनाव आयोग भी तैयारियों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। खबरों की माने तो चुनाव आयोग ने 1,000 से अधिक मतदाता वाले बूथों पर नए मतदान केंद्र बनाने की कवायद शुरू कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में मतदान केंद्रों की संख्या 73,000 से 1.5 गुना बढ़कर 1,00,000 होने की संभावना जताई गई है। क्योंकि कोविड 19 में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना ज्यादा जरूरी है, ऐसे में बूथ की संख्या बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठा सकती है बिहार सरकार। बिहार सरकार प्राइवेट स्कूल के खिलाफ सख्ती से पेश आ सकती है। खबरों की माने तो राज्य की बड़ी संख्या में गरीब छात्र शिक्षा के अधिकार से वंचित है और इसकी शिकायत भी लगातार शिक्षा विभाग को मिल रही है, जिसके बाद से बिहार सरकार ने ऐसे सभी प्राइवेट स्कूल से कमजोर वर्ग में नामांकित 25% छात्रों की रिपोर्ट 1 सप्ताह में मांगी है, जिसके तहत शिक्षा विभाग में सभी जिलों के निजी स्कूल को बिहार अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के तहत 25% गरीब व कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त में नामांकन दिलवाने का आदेश जारी किया गया है और उसकी रिपोर्ट जिले के 2 DPO को हर साल भेजने की बात भी कही गई थी। हालांकि कुछ शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए इस आदेश को मानना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। आज खगड़िया जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण रोजगार मुहिम की होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए गरीब कल्याण रोजगार मुहिम की शुरुआत की है, जिसका शुभारंभ आज से होने वाला है और जिसका संचालन बिहार के खगड़िया जिले से सबसे पहले किया जाएगा, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। आपको बता दें, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा के मजदूरों की सबसे अधिक घर वापसी को देखते हुए सरकार ने ऐसे मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए इस मुहिम की शुरुआत की है, जिसके तहत 116 जिले में पहुंचाने का काम किया जाएगा और 25,000 से ज्यादा मजदूरों को सरकार इसकी योजना से जोड़ने का काम कर रही है। खादी के प्रोडक्ट्स बस एक क्लिक में पहुंचाए जाएंगे अब आपके घर। बिहार में खादी की खरीदारी अब और आसान हो गई है। खादी के वस्त्र या खादी से जुड़े किसी भी अन्य प्रोडक्ट को घर बैठे मंगवाने के लिए उद्योग विभाग ने एक नया पोर्टल जारी किया है, जिसके तहत अब सभी बस www.biharkhadi.com पर जाकर एक क्लिक करना होगा और खादी से जुड़े सामानों की डिलीवरी आसानी से बुक हो जाएगी, चाहे वो कपड़ा हो या फिर कोई और सामान। बिहार के लोगों को अब खादी के सामान को खरीदने के लिए दुकान दुकान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बिहार में इस बार का मौसम किसानों पर है मेहरबान। बीते कई सालों से किसान अच्छी बारिश का इंतजार ही कर रहे थे, मगर इस साल किसानों को काफी अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। बिहार में कई सालों बाद मॉनसून के समय से आने और इतनी तेज बारिश देखी गई है, जिसके बाद किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं है। किसान प्रसन्न होकर अपने खेत में उतर गए हैं और वही इस बार सभी किसान अपनी खेती को लेकर थोड़ी उम्मीद भी बांध रहे हैं। मौसम से खुश किसानों का कहना है कि यह स्थिति रही तो धान की खेती इस बार बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने की 21 जून की सुबह परिवार के साथ योग करने की अपील। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि 21 जून के शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों से अपने अपने घरों में ही दूरी बनाकर परिवार के साथ योग करने और कम से कम 3 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की अपील की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के इस माहौल में योग की जरूरत इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ ही शरीर में तमाम तरह के ऊर्जा भरने के लिए भी की जाती है। इसलिए 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम ही इस बार घर पर योग परिवार के साथ योग रखा गया है। AES के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने शुरू की अपनी तैयारी। कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच AES का प्रभाव भी लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए AES से बचाव के लिए विशेष पहल की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर नए मुहिम को चलाने की पहल की गई है, जिसके तहत हर संसाधन को 2-2 और मुजफ्फरपुर के ज्यादा प्रभावित प्रखंडों को 5-5 AES किट मुहैया करवाए गए हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर में अकेले 60% प्रभावित देखे गए हैं, बाकी 40% मामले अन्य जिलों में आए हैं। मौसम विभाग ने पटना समेत 4 जिलों में आंधी के साथ बारिश होने की जताई संभावना। बिहार में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं मौसम विभाग ने भी अपना पूर्वानुमान जारी करके अगले 48 घंटे में राजधानी पटना समेत 4 जिलों के लिए बारिश होने के साथ साथ आंधी तूफान होने की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो पटना के साथ सिवान, सारण, गोपालगंज समेत एक अन्य जिले में अगले 48 घंटे के बीच आंधी और बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके बाद गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। BPSC की 65वीं मुख्य परीक्षा की तारीख का हुआ ऐलान। BPSC की 65वीं मुख्य परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत संभावित तारीख आयोग की तरफ से 25, 26 और 28 जुलाई की तय की गई है। आपको बता दें, BPSC PT का रिजल्ट 6 मार्च को ही घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद 6,522 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया था, जिसके परिणाम स्वरूप अब चयनित उम्मीदवारों के लिए ही मुख्य परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। खबरों की माने तो BPSC की 65वीं मुख्य परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें 2 अनिवार्य विषय होंगे, सामान्य हिंदी 100 अंकों का, सामान्य अध्ययन 2 पेपर प्रत्येक 300 अंक के होंगे। बिहार के संविदा कर्मियों को 2 महीने का मिलेगा पूरा पैसा। संविदा कर्मियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, जिसके तहत बिहार के सभी संविदा कर्मियों को बिहार सरकार ने मार्च और अप्रैल महीने के पूरे वेतन का भुगतान किए जाने की बात कही है। इतना ही नहीं, मई के बाद मानदेय के लिए भी निर्देश जारी करने का ऐलान जारी किया है, जिसकी जानकारी वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के आदेश के जारी पत्र में दिया गया है, जिसमें यह साफ कहा गया है कि मई 2020 और उसके आगे महीनों के लिए वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। अपने आवास से बाहर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपने आवास से बाहर आ चुके हैं, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन सबसे पहले संभावित बारिश को देखते हुए और बाढ़ की स्थिति को उत्पन्न होता देखते हुए सम्प हाउस का निरीक्षण किया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कोविड-19 सेंटर का भी जायजा लिया है, जहां पर उन्होंने मौजूदा हालात की समीक्षा की है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उक्त समय में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई अधिकारी भी मौजूद दिखे। तेजस्वी यादव ने इस साल पटना में नाव नहीं बल्कि जहाज चलने का किया दावा। पटना में मॉनसून जोर शोर से देखने को मिल रहा है। लगातार बीते 2 दिनों से मॉनसून की बारिश भी दिख रही है, जिसके बाद अब जगह जगह पर जलजमाव की परेशानी एक बार फिर से उत्पन्न हो गई है, जिसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि ढोल बजने की आशंका को देखते हुए नीतीश कुमार घर से बाहर निकले हैं, क्योंकि अभी और बारिश होना बाकी है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने व्यक्तिगत तौर पर पटना के कई इलाकों में जलजमाव का निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने बीते साल हुए जल जमाव से कोई सीख नहीं ली है, बस फर्क यही है कि पिछली बार पटना में नाव चली थी और इस बार जहाज चलने की नौबत आ गई है। STET की परीक्षा का आयोजन होगा दोबारा। बिहार में STET की परीक्षा को दोबारा से आयोजित करवाने का ऐलान जारी कर दिया गया है, जिसके तहत शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड की तरफ से जारी की गई अधिसूचना पर अपनी सहमति जता दी है, जिसके बाद बिहार में STET की दोबारा ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा ली जाएगी, जिसकी जानकारी शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा नियंत्रण को लिखे पत्र में दी है, जिसके तहत उन्होंने शिक्षा विभाग से साफ कहा था कि 16 मई को कैंसिल की गई STET की परीक्षा को दोबारा से आयोजन ऑनलाइन माध्यम से करवाया जाना चाहिए।
फरवरी में खत्म हो चुके डीएल परमिट और रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेजों की वैधता बढ़ी। कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। वहीं इसी को ध्यान में रखते हुए फरवरी में खत्म हो चुके डीएल परमिट और रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने का फैसला सुनाया गया है, क्योंकि कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के कारण सभी ऑफिस लंबे समय तक बंद किए गए थे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील की गई थी। इसी को ध्यान में रखकर 30 जून से वैधता को बढ़ा करके 30 सितंबर तक कर दिया गया है। हालांकि ध्यान रहे कि यह छूट उन्हीं लोगों के लिए है जिनका लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या फिर अन्य कागजात की वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हुई है या 30 सितंबर तक समाप्त होने वाली है। चीन मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी को एकमत रहने के लिए दी नसीहत। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत चीन विवाद को ध्यान में रखते हुए सर्वदलीय बैठक का आयोजन करवाया गया था। इस बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया था और अपने विचार रखे थे। वह इस क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सर्वदलीय बैठक में अपनी बात रखते हुए कहा कि बाजार में चीनी सामानों का बढ़ना एक बड़ी समस्या बन गई है। भारी प्लास्टिक के बने सामान से पर्यावरण को भी भारी परेशानी पहुंचती है, इसीलिए चीन या किसी अन्य राष्ट्रीय मुद्दे पर सभी दलों को एकमत होकर विचार विमर्श करना चाहिए। चीनी उत्पाद लंबे समय तक नहीं चलते, हमारा कर्तव्य है कि हम एक हो और केंद्र का समर्थन करें। नदियों से मछली पकड़ने पर अगस्त तक लगी रोक। बिहार में नदियों से मछली को पकड़ने पर अगस्त तक रोक लगा दी गई है। खबरों की माने तो बारिश के महीने में मछलियों के प्रजनन का समय बहुत ज्यादा होता है। वहीं 2 महीने में नदियों से मछली पकड़ने पर लगाई गई रोक से नदियों के किनारे रहने वाले मछुआरे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, इसलिए इस अवधि में सरकार की ओर से उन्हें वित्तीय सहायता दिए जाने का ऐलान कर दिया गया है, जिसके लिए सरकार ने राहत एवं बचाव योजना तैयार की है। राहुल गांधी के 50वें जन्मदिन पर बिहार कांग्रेस नेताओं ने गरीब के बीच भोजन का किया वितरण। बिहार में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया था। हालांकि कोविड 19 की वजह से इस बार उनका 50वां जन्मदिवस सादगी के साथ मनाया गया। पार्टी नेताओं ने गरीब लोगों के बीच भोजन का वितरण कर उनका जन्मदिन मनाया। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुमार आशीष ने बताया कि बांदीपुर विधानसभा अंतर्गत राजापुर पुल के पास गरीबों और उनके परिवारों के बीच भोजन का वितरण कराया गया है। बिहार भाजपा ने की सोशल मीडिया और आईटी प्रदेश टीम की घोषणा। बिहार विधानसभा चुनाव ने भाजपा ने बिहार प्रदेश की सोशल मीडिया और आईटी टीम की सूची जारी कर दी है, जिसके तहत प्रदेश संयोजक मदन कृष्ण ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि बिहार भाजपा सोशल मीडिया पार्टी की प्रदेश टीम की घोषणा कर रही है। सभी प्रदेश पदाधिकारियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेहनत के साथ सोशल मीडिया पर और आईटी विभाग के साथ मिलकर भाजपा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत पर फिल्म बनाने की तैयारी हुई शुरू। सुशांत सिंह राजपूत के गुजर जाने के बाद पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री सवाल के घेरों में आ गई है। इतना ही नहीं, कई लोगों ने इस बात पर का भी अंदाजा लगाया है कि शायद सुशांत सिंह राजपूत ने खुद से अपने साथ ऐसा नहीं किया, बल्कि जानबूझकर किसी ने उनसे यह करवाया है। वहीं इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत की जीवनी पर फिल्म बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। फिल्म निर्माता विजय कुमार गुप्ता, जो अभिनेता के यूं चले जाने से बहुत ज्यादा दुखी हुए हैं, वह सुशांत सिंह राजपूत को लेकर फिल्म बनाने वाले हैं, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। फिल्म का पहला पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है, जो कि काफी इंटेंस नजर आ रहा है। रविवार को लगने वाला है इस साल का सबसे पहला सूर्य ग्रहण। रविवार यानी कि कल साल का सबसे पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस बार का सूर्य ग्रहण बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान कुछ समय के लिए सूरज पूरी तरीके से छुप जाएगा, जिसकी वजह से धरती पर अंधेरा छा जाएगा और उस समय सूरज बिल्कुल ही अंगूठी के आकार का हो जाएगा। खबरों की माने तो यह सूर्य ग्रहण 21 जून की सुबह 10:20 पर शुरू होगी, जो शाम को 3:04 पर खत्म होगी। वहीं दोपहर में 12:10 पर सूर्य ग्रहण अपनी पूर्ण अवस्था में होगा। हालांकि अभी साफ तौर पर यह कहा गया है कि भारत में ग्रहण का आरंभ और समाप्ति का समय अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगा। ट्विटर पर अब वॉइस रिकॉर्ड करके आसानी से कर सकते हैं ट्वीट। वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से अब ट्विटर पर सभी ट्विटरवासी आसानी से अपना ट्वीट रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ट्विटर अपने सभी यूजर के लिए एक नया फीचर लेकर आ रहा है। इस नए फीचर से ट्विटर ने फ्लिक्स का नाम दिया है। इसके माध्यम से भारत में एंड्रॉइड और iOS यूजर आसानी से अपने आवाज का इस्तेमाल करके ट्वीट कर सकते हैं। यूजर बस एक ट्वीट में 140 सेकंड तक की ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसकी जानकारी ट्विटर ने अपने एक ब्लॉग में साझा की है। मदन लाल ने बताई सचिन तेंदुलकर के बतौर कप्तान फेल होने की वजह। सचिन तेंदुलकर ने अपने पूरे करियर के दौरान रनों का रिकॉर्ड कायम किया था, मगर बतौर कप्तान सचिन तेंदुलकर फ्लॉप साबित हुए थे, जिसके पीछे की वजह पूर्व भारतीय कोच मदन लाल ने बताई है, जिसकी तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सचिन में खेलने पर ज्यादा ध्यान देते थे और इसी वजह से उनकी कप्तानी विफल साबित हुई है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे विश्वास नहीं है कि सचिन एक अच्छे कप्तान साबित नहीं हुए थे, समस्या बहुत आसान थी। वास्तव में बात यही थी कि सचिन तेंदुलकर अपने खेल पर ज्यादा ध्यान दिया करते थे, इसीलिए कई बार उनके लिए टीम की देखभाल करना मुश्किल हो जाता था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सुरेश कुमार, राजमोहन कुमार, प्रवीण,
कार्तिक यादव, सुहाना सिंह, सुरभि कुमारी, आलोक कुमार, विकी कुमार, सत्यम सिंह, रुद्रांश कुमार, अमरेंद्र सिंह, सोनू यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार क्या इस बार की मानसून की बारिश किसान को के लिए फायदेमंद साबित होगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।